हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जी। हम बात करेंगे एमएस धोनी की। एमएस धोनी जो कि 2023 सीजन में ये बयान दे चुके हैं कि वो फैंस को एक तोहफा देना चाहते हैं, उनके लिए एक आईपीएल सीजन और खेलना चाहते हैं, यानी 2024 का आईपीएल सीजन खेलना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ एक और वजह है जो कि सीएसके के एक आला अधिकारी, एक सपोर्ट स्टाफ के मेंबर ने बताया है कि रिपोर्ट्स को मतलब सूत्रों को बताया, ये रिपोर्ट्स जो आ रही है उसके अनुसार एमएस धोनी की एक मजबूरी भी है 2024 तक खेलना, और वो खेलेंगे क्योंकि अभी तक उस तरह से कोई कैप्टनशिप विकल्प नहीं मिल पाया है सीएसके के लिए। जडेजा को बनाया जाता है 2021 सीजन में, जडेजा उस तरह से कैप्टनशिप नहीं कर पाते हैं, फिर कैप्टनशिप छोड़ भी देते हैं, फिर वापस एमएस धोनी बनते हैं। तो इसी की तलाश जाइए, क्योंकि बात चल रही है कि ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी अभी यंग प्लेयर हैं। वही बात करें अगर बेन स्टोक्स की, तो बेन स्टोक्स को आप देखेंगे कि उनके इंजरी कंसर्न रहते हैं, कभी वापस भी जाना पड़ सकता है इंग्लैंड का अगर कोई दौरा चल रहा है उस टाइम पे, तो वो उनके सारे के सारे ड्यूटीज़ को देखते हुए बेन स्टोक्स को भी नहीं बना सकते। इसीलिए एमएस धोनी और एक सीज़न रुकना चाहते हैं वहाँ, कि अपनी नज़र में एक कैप्टन को ग्रूम करेंगे उस सीज़न, उसके बाद विदा लेंगे, फैंस को तोहफा देंगे। तो ये फिलहाल पूरी की पूरी अपडेट और रिपोर्ट थी। आप बताइए कैसे लगी हमारी न्यूज़। पसंद है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।